साथियों, केंद्र सरकार ने शहर के गरीबों के लिए पक्के घरों का भी एक बड़ा अभियान चला रखा है। आज वसंत पंचमी के पावन पर्व पर जिन बहन भाइयों का गृह प्रवेश हुआ है, जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर मिले हैं, ऐसे सभी मेरे परिवारों को मैं अनेक अनेक बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि आप सभी अपना घर मिलने के बाद नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन को, अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने में सफल होंगे। आज आप देश के गांवों और शहरों के उन 1.5 करोड़ लोगों में शामिल हो चुके हैं जिनको अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिले। भाइयों और बहनों, शहर का गरीब हो या फिर मध्यम वर्गीय परिवार, बीते 4.5 वर्षों में हमने निरंतर सबका साथ सबका विकास के लिए काम किया है। केंद्र सरकार किस गति से काम रही है, इसका आकलन करने के लिए आप एक आंकड़े को जरा ध्यान से सुनिए। पिछली सरकार ने अपने 10 वर्षों में शहरी इलाकों के लिए कुल 13 लाख घर स्वीकृत किए थे, जिसमें से सिर्फ 8 लाख ही घर पूरे कर पाए थे, जबकि एनडीए की सरकार ने बीते 55 महीने में 73 लाख शहरी आवास स्वीकृत किए हैं, जिसमें से 15 लाख तैयार हो चुके हैं और 39 लाख घरों का काम अब पूर्णता की ओर है। इसे अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं तो जिस रफ्तार से पहले की सरकार शहरों में घर बनवा रही थी, अगर वही रफ्तार रहती तो 40-50 साल और लग जाते उसे इतने ही घर बनाने में जितने हमारी सरकार बना रही है। यानी जो काम वह 40-50 साल में कर सकते हैं, वो हमने 55 महीने में करके दिखाया है। साथियों, यही कर्नाटका में ही 250 से अधिक शहरों में 5 लाख से अधिक घर बनाने की स्वीकृति दे जा चुकी है। हुबली धारवाड़ में भी लगभग 11,000 गरीबों के पक्के घर स्वीकृत हो चुके हैं, जिसमें से लगभग 2,500 की चाबी आज सौंपी गई है।